मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के। नमस्कार, कुकिंग विद शालिनी द बिगिनर सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे बिगिनर्स के लिए गोभी आलू की सब्जी। बहुत ही सिंपल तरीके से स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे ताकि कोई भी न्यू कमर जो है, जो नई तरीके से पहली बार बना रहा है, उसको बिल्कुल भी मुश्किल ना आए बनाने में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। हम बनाएंगे आज गोभी आलू। पहले मैं इसको कट करने लगी थी, फिर मैंने सोचा कि आपके सामने ही कट करके आपको दिखाऊं प्रॉपरली, ताकि आपको बनाने में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। तो हमने ये गोभी ली है और तकरीबन ये आधा किलो के करीब गोभी है और इसके साथ हमने लिए एक आलू। आलू आप ज़्यादा डालना चाहते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जितना आपका टेस्ट के अनुसार आप आलू डाल सकते हैं। कई लोगों को ज़्यादा पसंद होते हैं वो ज़्यादा डाल लेते हैं, जिनको कम पसंद होते हैं वो कम डाल लेते हैं, और कई लोग जो है वो आलू पसंद ही नहीं करते हैं, सिर्फ इसी तरह से गोभी बना लेते हैं। तो सभी प्रोसीजर जो है बनाने के सेम होते हैं। तो हमने ये गोभी इस तरह से ले ली है। लेकिन गोभी कट करने के लिए सबसे पहले जब हम गोभी लेंगे उसके अंदर बाय करने से पहले ही आप ये देख लें कि इसके अंदर कोई कीड़ा ना हो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कीड़ा होता है अगर मौसम के बगैर की गोभी हम लेते हैं। जैसे आजकल कई बार ही आजकल के दिनों में गोभी जो आ रही है बाज़ार में, थोड़ी सी कीड़े वाली भी आ रही है। ग्रीन कलर का बिल्कुल छोटा सा कीड़ा होता है जो आपको नज़र नहीं आता है, वो रेयर आपको नज़र आता है, वो बीच बीच में अंदर अंदर कई बार क्या होता है वो फंसा होता है, आपको दिखता नहीं है। तो इस तरह से देख कर जो है बीच में से खोल कर देख कर लें। अगर आपको एक भी नज़र आए तो आप गोभी को छोड़ दें, वो गोभी मत लें, क्योंकि बिल्कुल बारीकी से वो अंदर अंदर तक फंसी होती है और आपको नज़र नहीं आती है, तो वो गोभी आप ना ही लें तो बेटर है, वेस्ट जाएगी सारी गोभी। तो चेक करके फिर गोभी लें। तो इसी तरह से हमने गोभी को जो है बीच में से इस तरह से कट कर लेना। बहुत ज़्यादा छोटा इसको कट नहीं करेंगे और बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं रखेंगे, इस तरह से इसको जो है हम कट कर लेंगे इस तरह से। तो ये आप देख सकते हैं छोटा हो गया, कुछ पीसेस छोटे हो गए तो कुछ हम इसी तरह से बड़े भी रख सकते हैं। तो ये लीजिए, हम इस तरह से गोभी को कट कर लेंगे। जैसे ये फूल गोभी का है, इसको इस तरह से कट कर लेंगे। ये देखिए बीच में से कट करेंगे और ये जो मोटा वाला पोर्शन होता है ये, इसको अलग से निकाल लेंगे। इसको इस तरह से छोटा सा कट करेंगे, इस तरह से जिस तरह से अदरक को काटा जाता है उस तरह से छोटा छोटा इसको कट कर लेंगे। बाकी गोभी आपकी मर्जी है, अगर आप बड़े बड़े पीसेस चाहते हैं तो बड़े बड़े पीसेस भी कट कर सकते हैं। क्या होता है कि जिस टाइम हम गोभी को बना रहे होते हैं, कई बार क्या होता है कि गोभी जो है बिल्कुल कई लोग खड़ी खड़ी पसंद करते हैं तो कई लोग जो है ज़्यादा कुकी हुई पसंद करते हैं। तो जो लोग खड़ी खड़ी पसंद करते हैं गोभी, बिल्कुल पिचकी हुई नहीं पसंद करते हैं, वो थोड़ा सा बड़े पीसेस रहने दे सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से हमने सारी गोभी को काट कर रेडी कर लेना है। अगर ये डंडी आपको बड़ी लगती है तो इसको भी थोड़ा सा इस तरह कट कर लें। इस तरह से हम सारी गोभी को कट कर लेंगे। इस तरह से गोभी को काट लेने के बाद हम कोई भी इस तरह से छन्नी लेंगे बड़ी वाली और इसके अंदर जो है हम अपनी ये सारी गोभी डाल देंगे इस तरह से। सारी गोभी को हमने इसी तरह से जो है इसके अंदर डाल लेना है। और आपने देखा होगा कि गोभी में जो है इस तरह से डंठल बने होते हैं, तो इसको भी हम फेंकेंगे नहीं, ये छोटे छोटे इस तरह से हम निकाल लेंगे। ये जो फ्रेश वाले होते हैं ये डंडियाँ, ये बहुत अच्छी लगती है गोभी में, थोड़ा थोड़ा इसको भी इस तरह से छोटा छोटा कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से इसको भी कट कर लेंगे। और ये जो थोड़े मोटे भी हों उसको भी काट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं ये गोभी की सब्जी में। इस तरह से कट करके और ये डंठल सा है इसको इस तरह से बीच में से इस तरह से कट कर लेंगे। ये देखिए आप स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से बनाएंगे तो बिल्कुल बढ़िया जो है आपकी गोभी बनेगी। कोई टेंशन ना लें, ये थोड़े से ज़्यादा भी डाल लेंगे तो बहुत ही बढ़िया लगते हैं। ये देखिए इसको भी इस तरह से कट कर लें, तो सारे डंठल बहुत ही बढ़िया लगते हैं इसमें। इसको बिल्कुल फेंकें नहीं, इसको ज़रूर बनाएं। ये तो हमारी गोभी गई कट। अब हम लेंगे एक आलू और इसको छील लेंगे इस तरह से, चाहे आप पीलर की हेल्प से छीलें चाहे आप नाइफ की हेल्प से छीलें। सारा आलू छील कर रेडी कर लेते हैं। आलू को हमने कट कर लिया है, इसको बीच में से इस तरह से कट करेंगे। आप चाहें तो इसको लंबा लंबा काट सकते हैं, आप चाहें तो इसको छोटा काट सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आलू को जो है इतना छोटा काटना चाहिए। इससे क्या होता है जब हम गोभी और आलू बना रहे हैं तो गोभी जल्दी गल जाती है, आलू को टाइम लगता है गलने में। तो अगर हम छोटा काटेंगे तो आलू भी हमारे टाइम पर गल जाएंगे, हमारी सब्जी बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। और अगर हम मोटे मोटे आलू को कट कर लेंगे तो हमारी गोभी जो है गल जाएगी और आलू कच्चे रह जाएंगे, तो इसको काटना जो है बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह से सारे आलू को इस तरह से कट कर लें। अभी हमारा स्ट्रेनर में डालने का रीज़न ये है कि स्ट्रेनर में डालने से हमारी जितनी भी आलू के ऊपर मिट्टी लगी है या गोभी के ऊपर मिट्टी लगी हुई है वो स्ट्रेनर के थ्रू नीचे चली जाती है। हम इसको 5-6 बार इस तरह से अच्छे से खुले पानी में धोएं और हमारी मिट्टी नीचे निकल जाएगी। स्ट्रेनर में इसको वॉश करें ज़्यादा बेटर रहता है, मिट्टी नहीं रहती है। तो इसको धो लेते हैं। इसके अंदर हम डाल देंगे इसमें 2 साबुत मिर्चें, तो ये दोनों धोकर रेडी करते हैं। गोभी आलू को हमने 5-6 बार अच्छी तरह से खुले पानी में धो लिया है। अब अगर हम उसी टाइम बनाना चाहते हैं तो हम इसी तरह से इसको रहने दे सकते हैं। और अगर हमने 5-10 मिनट रुक कर बनाना है तो इस तरह से एक पतीला लें कोई भी, उसमें पानी भर लें और ये सारे गोभी आलू जो हैं इसमें एक बार डाल दें।
इससे क्या होगा, हमारे आलू बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे, अच्छे से इसको अंदर तक सोक होते रहे, मतलब कि अच्छे से पानी में ही डूब जाने चाहिए। इसको रख लें, जितनी देर ये अंदर पड़े हुए हैं इसको ख़राब नहीं होंगे आलू भी जो है हमारे ब्लू नहीं होंगे, नीले नहीं होंगे, यानी कि ख़राब नहीं होंगे, कई बार क्या काले पड़ जाते हैं। अब हम लेंगे अपना ये इसी तरह से एक छोटा पीस अदरक का, और इस तरह से इसका छिलका जो है निकाल लेंगे। छिलके में बहुत ताकत होती है, बहुत न्यूट्रिशियस होता है, चाहे तो छिलके को रहने दे सकते हैं, मैं सिर्फ आप लोगों को छिलका निकाल कर दिखा रही हूँ। मैं तो कई बार क्या होता है, अच्छे से अदरक को धोकर छिलका जो है इसी तरह से यूज़ कर लेती हूँ, छिलके को नहीं निकालती हूँ। तो छिलके को आप ना भी निकालें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि काफ़ी सारे न्यूट्रिटिव वैल्यूज जो हैं इसके छिलके के अंदर बहुत होते हैं। तो मैं जो है छिलका बिल्कुल भी निकालती। अब ये वॉश किया हुआ अदरक है, इतना पीस हमने अदरक का लिया है। अगर आप ज़्यादा गोभी भी बना रहे हैं तब भी इतना ही अदरक डलेगा, ज़्यादा अदरक ना डालें, इतना ही अदरक कितनी भी क्वांटिटी में आप बनाएं इतना ही अदरक डालें। अगर आप बहुत थोड़ी क्वांटिटी में बना रहे हैं तब आप अदरक को थोड़ा सा आधा कर सकते हैं, जैसे आप बिल्कुल ही थोड़ा बना रहे हैं, नहीं तो इतना अदरक डाल लें। तो ये अदरक को आप चॉपर में चॉप करना चाहते हैं चॉप कर सकते हैं इस तरह से, नहीं तो कट करना चाहते हैं तो इस तरह से इसको बिल्कुल बारीक बारीक कट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। आप देखिए इस तरह से हमने जो है इसको चॉप कर लेना है। हमने हरी मिर्चों को चॉप करके नहीं डालना है, नहीं तो बहुत तीखी हो जाती हैं, बच्चे नहीं खा पाएंगे। तो हमने जो है साबुत मिर्चों को ही डाल दी है, क्योंकि जो मिर्चें पसंद करते हैं वो उसमें से हरी मिर्च को निकाल कर खा सकते हैं। तो इसलिए हरी मिर्चें हमने इसमें साबुत ही डाल दी हैं, बिल्कुल इसको कट नहीं किया है। लीजिए, आप चाहे कम अदरक खाते हैं तो उतना ही डाल सकते हैं, और अदरक नहीं खाते हैं तो आप अदरक को रहने भी दे सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। और अगर आपको मुँह में आया हुआ अदरक ख़राब लगता है तो आप इसको कद्दूकस कर भी डाल सकते हैं, तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है। आप जैसे अदरक को पसंद करते हैं तो आप वैसे ही बना सकते हैं। तो लीजिए, हमने ये अदरक काट लिया, अब हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। अब हम लेंगे कढ़ाई, जो कढ़ाई आपके पास वो आप ले सकते हैं, मैंने ये एल्यूमिनियम की कढ़ाई ली, आपके पास ये हो तो ये ले लें। और इसको गोभी आलू को जो है हम बनाएंगे सरसों के तेल में, उसी में गोभी आलू बहुत टेस्टी बनते हैं। ये सरसों का तेल हमने ले लिया और इसमें सरसों का तेल डाल देंगे। अगर मेजरमेंट में देखा जाए तो ये मैंने जो है 3 बड़े चम्मच जो है मैंने सरसों के तेल के डाल दिए, यानी कि आप डालें तो आप एक छोटी करछी जो है वो इसमें सरसों के तेल की डाल सकते हैं। इस तरह से छोटी करछी जो है आप सरसों के तेल की डाल सकते हैं। अगर आप ऑयल कम खाना पसंद करते हैं तो आप कम में भी इसको बना सकते हैं, आप इसको 1 या 2 चम्मच में भी बनाएंगे तब भी बन जाएगी। कोई गेस्ट आ रहा है तो आप इस तरह से इसको बनाएं, ज़्यादा बढ़िया बनेगी। तो हमने इसको जो है सरसों के तेल को पहले जला लेना है अच्छे से, और फिर हम इसको जो है बनाएंगे। आप देख सकते हैं अच्छे से धुआं निकल रहा है, तेल हमारा जल चुका है, गैस को बंद कर देते हैं स्टेज पे। और ये जो आपने देखा येलो कलर का जो हमारा सरसों का तेल था, अब व्हाइट कलर का हो चुका है। इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं, नहीं तो हमारे अदरक डालते ही बिल्कुल अदरक जल जाएगा। हल्का इसको ठंडा कर लेते हैं फिर बनाते हैं। अभी ये बनाने के लिए ऐसा नहीं है कि आप सरसों के तेल में ही इसको बना सकते हैं। अगर आपके पास सरसों का तेल नहीं है तो आप इसको कोई भी कुकिंग ऑयल आपके पास घर में जो आप यूज़ करते हैं आप उसमें भी बना सकते हैं। कोई भी रिफाइंड ऑयल है, कोई भी ऑयल है, आप इसमें उसको बना सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऐसी टेंशन ना लें, कहने का मतलब मेरा ये है कि सरसों के तेल में ज़्यादा बढ़िया बनती है, करारी बनती है। इस ये तेल अब ठंडा हो चुका है, इसके अंदर हम डालेंगे अदरक। ये छोटा पीस अदरक का था, हम वो डाल देंगे, इसको हिला लेंगे और हल्का सा इसको गोल्डन ब्राउन करेंगे। इसके अंदर अब हम डाल देंगे हींग। हींग से फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है, हींग पिसी हुई हींग जो है बाजार में मिलती है, 1/4 स्पून जो है हम इसमें हींग का डाल देंगे। कई लोग हींग पसंद नहीं करते हैं, जो नहीं करते हैं वो रहने दे सकते हैं। हींग आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, आप रामदेव की हींग यूज़ कर सकते हैं, आप कैश की कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं, इस तरह से पाउडर फॉर्म में होती है। तो ये हींग ला कर रख लें और इस तरह से जो है 1/3 स्पून जो है थोड़ी सी इसमें इस तरह से डाल लें। तो ये हींग भी आप उसमें डाल दें। हींग डालने से क्या होता है कि बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर भी होता है और फ़ायदेमंद भी हींग बहुत होती है। इसके अंदर हम डाल देंगे अपनी जीरा। जीरा भी हम ज़्यादा नहीं, इसमें 1/3 स्पून हम इसमें जीरा डालेंगे। जीरा भी ऑप्शनल है, नहीं डालना चाहते हैं घर में नहीं है जीरा तो आप रहने दे सकते हैं, कोई ये नहीं है। हार्ड एंड फास्ट रूल के जीरा आपने डालना ही डालना है। अगर आपके पास इतनी से कोई इंग्रेडिएंट नहीं है, आप नहीं भी डालेंगे तब भी आपकी सब्जी जो है बढ़िया बनकर तैयार होगी। ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी सब्जी खराब हो जाएगी। अदरक नहीं है रहने दें, जीरा नहीं है रहने दें, अगर आपके पास हींग भी नहीं है वो भी रहने दे सकते हैं। आप खाली सरसों के तेल में भी इसको बना सकते हैं, इस तरह से काट कर आप इसको डायरेक्ट डाल सकते हैं आपकी सब्जी, तब भी बिल्कुल बढ़िया बनेगी। तो लीजिए, आप देख सकते हैं कलर इसका चेंज हो रहा है। हमने जीरा भी डाल दिया, आप चाहें तो जीरा इसमें लास्ट में डाल सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं ये ऑयल गर्म है और जीरा जो है हमारा इस तरह से थोड़ा ज़्यादा ब्राउन हो जाता है। कई लोग ज़्यादा ब्राउन जीरा नहीं पसंद करते हैं, जिनको हल्का रंग चाहिए वो जीरा जो है लास्ट में डालें, मतलब कि जब आपके जो अदरक ब्राउन हो जाए उसके बाद जो है जीरा डालें। ब्राउन हो चुका है, इसमें हम डाल देंगे अपने गोभी और अपने आलू। यहाँ से डालें इसको, इस तरह से स्ट्रेनर में वापस डाल लें और इस तरह से डायरेक्ट जो है सारी डाल दें।
तभी बिल्कुल ठीक रहता है। और जब आप छन्नी में इसको डाल रहे हैं वापस, तो नीचे जो है कोई भी बर्तन रख लें इस तरह से, नहीं तो आपका फर्श जो है सारा गीला होता जाएगा और आपका जो है काम डबल हो जाएगा। इसके अंदर अब हम डालेंगे अपने मसाले। मसालों में सबसे पहले तो डालेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट इन्ग्रीडियंट होता है वो है नमक। नमक अपने स्वाद के अनुसार आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको नॉर्मल स्पून से ही जो घर में यूज़ करते हैं उसी के मेजरमेंट देखकर जो है मैं आपको बताऊँगी। इसमें हम नमक डालेंगे तकरीबन एक चम्मच के करीब, एक चम्मच से हल्का सा कम डालेंगे, ज़्यादा नहीं, एक चम्मच से कम डालें, क्योंकि अगर हम कम डालते हैं तो उसका तो ऑल्टरनेटिव हमारे पास होता है कि बाद में हम और डाल सकते हैं, और अगर ज़्यादा पड़ जाए फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसमें एक चम्मच से हमने थोड़ा कम डाला है, यानी कि 3/4 हमने जो है स्पून डाला। इसके अंदर डालेंगे थोड़ी सी हरी मिर्च, 1/3 स्पून से भी हल्की सी आप देख रहे हैं कमी है तो ये डाल देंगे। इसके बाद अंदर डालेंगे हल्दी पाउडर 1/3 स्पून, थोड़ा सा और डाल देते हैं 1/3 स्पून से थोड़ा सा, इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे पानी। पानी का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने मेजरमेंट करनी है तब आपने पानी डालना है। पानी जो है गैस के फ्लेम के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो हम इसमें जो पानी डालेंगे इस तरह से अंदाजे से डालेंगे, अंदाजा मैं आपको बताती हूँ किस तरह से होना चाहिए। ये हम इसमें जो है हमने, आप देख सकते हैं ये पानी हमने इसमें डाल दिया है। गोभी हमारी पानी में तो डूबी हुई है लेकिन पूरी तरह से नहीं, कुछ इसी तरह से हम पानी के मेजरमेंट रखेंगे। अगर देखा जाए तो हमने एक छोटा ग्लास जो है पानी का इसमें डालना है। इसको ढक देते हैं और इसमें एक बॉयल आने देते हैं। गैस का फ्लेम अभी तेज़ रखें, गैस के तेज वाले फ्लेम में मैं बना रही हूँ उसको। फ्लेम अभी हम इसको तेज़ रखेंगे, एक इसमें बॉयल आने देते हैं। एक मिनट के बाद ही आप देखेंगे कि इसमें बॉयल आना शुरू हो गया। मैं उठाकर आपको दिखाती हूँ, ये देखिए आप देख रहे हैं किस तरह से इसमें बॉयल आ रहा है। ये देखिए इसको एक बार हिला लेंगे, इस तरह हिलाना बहुत ही ज़रूरी है ताकि सब जगह से बराबर का कलर है और पके भी बराबर का, इसलिए हमने इसको एक बार हिला दिया। दोबारा से इसको ढक देते हैं, गैस का फ्लेम अभी तेज़ रखेंगे। पूरे 5 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं अच्छी तरह से बॉयल आ रहा है, गैस का फ्लेम फुल है। चेक कर लेंगे, इसको एक बार हिला लेते हैं। इस तरह से आलू को अगर आप देखेंगे तो हल्के हल्के आप देखेंगे अंदर ज़्यादा है, लेकिन अभी आलू जो है हमारे कच्चे हैं। इसी तरह से पानी भी इसमें है, गैस की फ्लेम तेज़ ही रखें और इसको जो है इसी तरह से तेज़ गैस पे बनने। पूरे 5 मिनट और हो चुके हैं, यानी कि टोटल में देखें तो 10 मिनट हो चुके हैं। दोबारा चेक कर लेते हैं इस तरह से, इसको पहले पानी इसका सारा इसी में निकाल लेंगे ताकि हमारी जो स्लैब है वो गंदी ना हो। इस तरह से इसको हिलाएंगे एक बार, अब ज़्यादा नहीं हिलाएंगे क्योंकि गोभी हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं, आलू हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। इस तरह से दबा कर देखें तो काफ़ी सॉफ्ट हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं। इस तरह से इसको हिलाएंगे नहीं, तेज़ गैस पर इसी तरह से पड़े रह देंगे और इसको ढकेंगे भी नहीं। हमने इसका पानी जो है बिल्कुल ड्राई कर, आप देख सकते हैं 5 मिनट और हो चुके हैं, यानी कि टोटल में 15 मिनट और पानी इसका सूख चुका है। ये देखिए मैं इसको इस तरह से हिलाती हूँ तो थोड़ा सा पानी है, जब इतना सा पानी रह जाए बिल्कुल हल्का सा, तो इसके अंदर डालेंगे हम, गैस के फ्लेम तेज़ ही रखेंगे और इसके अंदर डाल देंगे 1/2 चम्मच किचन किंग मसाला। इसके अंदर डाल देंगे सूखा धनिया 1/2 चम्मच, बिल्कुल पिसा हुआ सूखा धनिया। इसके अंदर डालेंगे 1/3 स्पून लाल देगी मिर्च। इसके अंदर डालेंगे आमचूर पाउडर 1/3 स्पून, 1/3 स्पून से हल्का सा ज़्यादा डालेंगे। इसके अंदर डाल देंगे हरा धनिया इस तरह से, इतना इस तरह से अच्छे से इसके पानी जो है सूख जाना चाहिए। जब ये अच्छे से सूख जाए, आप देख सकते हैं ये काफ़ी सूख गया पानी। अब इसमें जो है ये ऑयली ऑयल है जो आ रहा है आगे, इसको एक बार हिला लेंगे सारे इस तरह हल्के हाथों से इसको हिला लें। बढ़िया हमारी सब्जी। इस स्टेज में आप नमक चेक कर सकते हैं, नमक अगर आप और डालना चाहते हैं तो और डाल सकते हैं। इसके अंदर आप डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, अगर मिर्चें ज़्यादा पसंद नहीं करते तो रहने दे सकते हैं। हल्का सा 1/3 स्पून के करीब गरम मसाला स्प्रिंकल कर लेंगे। गरम मसाला घर का बना हुआ है, इसकी रेसिपी मेरे चैनल में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक डाल दूँगी, आप देख सकते हैं। गैस का फ्लेम अभी भी हमने बिल्कुल तेज़ रखा हुआ है, बस 1 मिनट के लिए तेज़ फ्लेम में हम इसको रखेंगे, उसके बाद गैस को बंद कर देंगे। तो लीजिए 1 मिनट हो चुका है, साइड में से आप देखेंगे हल्का हल्का ब्राउन होने लग गया है आपका जो कढ़ाई है। इस चीज़ में गैस को बंद कर देते हैं और इसको अभी ढक्कन के साथ ढकेंगे नहीं। अगर हम इसको ढके ढक देंगे तो इसमें जो है नीचे पानी आने लगेगा, हवा इसकी निकलने देते हैं, इसकी गर्माइश को थोड़ा सा ख़त्म होने देते हैं। अगर आपको जल्दी है तो आप फैन खोल लें और इसको ठंडा होने दें। हल्का ठंडा हो जाता है तो फिर इसको या ढक लें या किसी भी, आप इसको माइक्रोवेव में अगर गर्म करते हैं तो आप माइक्रोवेव कंटेनर में डालकर रख सकते हैं। जब आपने खाना हो तो इसको माइक्रोवेव करें और खा लें, और अगर आप माइक्रोवेव नहीं करते हैं कढ़ाई में ही गर्म करते हैं
तो आप इसी तरह से इसको ढककर रख दें, और जब आपका खाना आपने खाना हो तो इसको हल्के फ्लेम में इसको गर्म करें, अच्छे से ये गर्म होकर रेडी हो जाएगी। तो लीजिए हमारी सब्जी बनकर तैयार हो गई है, बहुत ही टेस्टी और बढ़िया हमारी जो है गोभी आलू की सब्जी बनी है। आप इसे जरूर बनाएं मेरी रेसिपी से। इस तरह से आप इसको हरे धनिया की पत्तियों के साथ स्प्रिंकल करें, हरा धनिया इस तरह से, और लीजिए बहुत ही बढ़िया बिल्कुल बाजार जैसे हमारी जो है ये गोभी आलू की सब्जी, ऐसी ही बाजार में भी आपको ढाबों में मिलेगी। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा अदरक जो है ऊपर से लंबा लंबा इसकी जूलियंस काट कर भी डाल सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। इसी तरह से बनाएं, खाना खाएं, सबको बहुत ही अच्छा लगेगा अगर आप इस तरह से बनाएंगे, टेस्टी लगेगा। पसंद आ रही रेसिपी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप कोई और वीडियो चाहते हैं इस तरह की तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में अपने कमेंट करके बताएं। मैं जल्दी जो है इस तरह की वीडियोस में और पोस्ट करूंगी। तो जल्दी मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।